चाहिए कि शिक्षक बच्चे को पढ़ाएगा या शराबबंदी में वो पकड़ेगा कि कौन शराब पी रहा है कौन शराब नहीं पी रहा है, बच्चे का भविष्य क्या होगा। करना बंद कीजिए कि शराबबंदी शराबबंदी कहाँ दिखता है, शराबबंदी हर रोज नया नया खेप पकड़ाता है हर जगह पर, कहाँ शराबबंदी। और प्रशासन को भी सरकार के द्वारा परेशान किया जाता है कि कितने देर में लागू कर देंगे शराबबंदी? 48 घंटे में। कौन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी ने जो 16 से शराबबंदी लगाया है, वो शराबबंदी कहाँ है, कहाँ दिखता है धरातल पर शराबबंदी? रोज नया नया खेप पकड़ा रहा है हर रोज, अभी यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली भगत से शराब बिक्री हो रहा है। अभी सरहौला की घटना जो है जिसको SSP साहब ने दरोगा को पकड़ा है, कहाँ शराबबंदी है? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि शिक्षक को ये काम दिया जा रहा है शराबबंदी पकड़ने के लिए, अब आप बताइए कि शिक्षक बच्चे को पढ़ाएगा या शराबबंदी में वो पकड़ेगा कि कौन शराब पी रहा है कौन शराब नहीं पी रहा है, बच्चे का भविष्य क्या होगा? उसके बाद इस शराब माफिया लोग जो हैं, बड़े बड़े माफिया लोग जो हैं, उन लोग क्या करेंगे? उस शिक्षक को छोड़ेंगे? सरकार क्या सुरक्षा दे रही है शिक्षक के लिए, ये बताइए हमको। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कह दिया है खुले लफ्जों में कि आप हमको 48 घंटे का समय दीजिए, मैं एक एक शराब जो शराब माफिया उसको पकड़कर बिहार में शराबबंदी कैसे होता है ये वो बता देंगे। नीरा को लेकर नीरा का बोल रहा है कि नीरा में सब्सिडी देने हम, और नीरा मान लीजिए नीरा है उस सूरज जैसे निकलेगा नीरा में नशा आ जाता है, तो वो भी तो नशा हो गया। ये नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं? पब्लिक को गुमराह करना बंद करें, हम यही चाहते हैं। अगर शराबबंदी है तो एक्शन के साथ शराबबंदी करें। आपका क्या कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, वो दिखाएंगे कि कैसे शराबबंदी होता है। जनता से यही अपील है। कितने देर में लागू कर देंगे शराबबंदी? 48 घंटे में। कौन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे। आप 48 घंटा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाइए, देखिए कैसे होता है शराबबंदी पूर्णतः। कहां से शराबबंदी है जनता को? आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ ये करना बंद कीजिए कि शराबबंदी शराबबंदी कहां दिखता है शराबबंदी, हर रोज नया नया खेप पकड़ाता है हर जगह पर, कहां शराबबंदी है बताइए। जनता को बेवकूफ बंद कीजिए, मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और शराबबंदी अगर है तो उसको सफल बनाइए, आपको जनता ने वोट दिया है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं।